पिछले कुछ वर्षों में चेतन भगत युवाओं के बीच लोकप्रिय लेखक के रूप में उभरे हैं। थ्री इडियट्स, काईपोचे और टू स्टेट जैसी फिल्में उनके उपन्यास पर आधारित थी और बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत द्वारा लिखी इसी नाम की किताब पर आधारित है। यह बिहार के छोटे से गांव सिमराव और अंग्रेजी से डरने वाले माधव झा तथा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़की रिया सोमानी की कहानी है। अंग्रेजी जानने वाला हिंदुस्तानी अक्सर फिल्मों में अमीर होता है, उसका एक क्लास होता है और यह बात हाफ गर्लफ्रेंड में भी नजर आती है। जबकि हिंदी में बात करने वाला उतना स्मार्ट नहीं माना जाता और ऐसा ही फिल्मों का हीरो माधव है। बास्केटबॉल के जरिए दोनों निकट आते हैं। रिया से माधव पूछता है कि वह उसकी क्या है, तो वह जवाब देती है हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है, यह बात समझाने की भरसक कोशिश फिल्म में की गई है, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको शायद ही इसका जवाब मिले। फिल्म कहती है कि हाफ गर्लफ्रेंड मतलब दोस्ती से थोड़ा ज्यादा और गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम, लेकिन रिया का किरदार कुछ इस तरह लिखा गया है कि मामला कंफ्यूज नजर आता है। माधव को रिया किस करती है, उसके साथ अकेले कमरे में जाती है, तो माधव यही समझता है कि रिया उसे चाहती है, लेकिन रिया अपने आप को हाफ गर्लफ्रेंड बताती है। माधव को भी यह बात समझ नहीं आती, यह बात कहानी को कमजोर बनाती है। माधव बेचारा दिल हथेली पर लेकर रिया के पीछे पीछे सिमराव, पटना, दिल्ली और न्यूयॉर्क तक घूमता रहता है, लेकिन रिया जब चाहे गर्लफ्रेंड वाला व्यवहार करती है और जब मन किया तो हाफ गर्लफ्रेंड बन जाती है। कहानी में लड़कियों के लिए गांव में स्कूल, शौचालय वाला मुद्दा, रिया के माता पिता की अनबन, माधव की माँ का जबरन विलेन बनना, बिल गेट्स द्वारा आर्थिक मदद, रिया का सिंगिंग का सपना, रिया की बीमारी जैसी कई बातों का समावेश किया गया है, लेकिन ये सब बातें मूल प्लॉट की कमियों को ढक नहीं पाती। निर्देशक मोहित सूरी का प्रस्तुतिकरण कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। मोहित बार बार कहानी को 2 महीने पीछे ले जाते हैं, फिर वर्तमान में लाते हैं, फिर 2 साल पीछे ले जाते हैं, कई शहरों में घुमाते हैं, लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं निकलता। पहले हाफ में तो वे किसी तरह कहानी को संभाल लेते हैं, लेकिन दूसरे हाफ में उनके हाथ से फिल्म छूट जाती है और दर्शक द एंड का इंतजार करता है। आशिकी 2 और एक विलेन जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले मोहित यह बात जानते हैं कि दर्शकों को क्या अच्छा लगता है। यहाँ पर वे अपने चिर परिचित फार्मूलों, बैकग्राउंड म्यूजिक का अच्छा उपयोग, हिट गाने, गानों के जरिए कहानी को आगे बढ़ाना, कुछ इमोशनल सीन्स से बांधने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहानी का साथ नहीं मिलता और बार बार फिल्म का ग्राफ नीचे आता रहता है। श्रद्धा कपूर के साथ मोहित की यह 3री फिल्म है और श्रद्धा की अभिनय क्षमता का अच्छा उपयोग उन्होंने किया है। श्रद्धा इस तरह के किरदार पहले भी निभा चुकी है और दर्शकों ने उन्हें बबली गर्ल के रूप में पसंद भी किया है, लिहाजा कुछ इसी अंदाज में श्रद्धा को इस फिल्म में भी पेश किया गया है। श्रद्धा चेहरे पर अच्छे भाव लाती है, इसलिए कुछ दृश्यों में अन्य कलाकार संवाद बोलते हैं और स्क्रीन पर चेहरा श्रद्धा का दिखाया गया है। श्रद्धा का अभिनय उम्दा है और उन्होंने इमोशनल सीन भी अच्छे से निभाए हैं। अर्जुन कपूर की दाढ़ी फिल्म में घटती बढ़ती रहती है और यही हाल उनके अभिनय का है। कुछ सीन वे अच्छे कर जाते हैं तो कुछ में उनका अभिनय कमजोर नजर आता है, उन्हें वजन और कम करने की जरूरत है। फिल्म के 2 गाने बारिश और फिर भी तुमको चाहूंगा अच्छे हैं। VFX कमजोर हैं, खासतौर पर इंडिया गेट वाले सीन अवास्तविक लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी ठीक है। कुल मिलाकर हाफ गर्लफ्रेंड का पहला हाफ ही अच्छा है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।